राजधानी दून में एनएसयूआई ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान एनएसयूआई के अध्यक्ष मोहन भंडारी ने सरकार से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की अपील की, जो कृषि भूमि के नाम पर अवैध प्लॉटिंग कर पा रहे हैं। वहीं अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया, बाहरी राज्यों से आए भूमाफिया कृषि के नाम पर स्थानीय निवासियों से जमीन खरीद लेते हैं, जिसके बाद अवैध प्लॉटिंग कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। देहरादून से संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस प्रकार से प्रदेश में कृषि भूमि को बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से आने वाले भू माफिया कृषि के नाम पर खरीद रहे हैं और उसमें फिर अवैध रूप से उसमें व्यावसायिक कार्य किए जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताज़ा प्रकरण रामनगर का आया है, जहां पर एक व्यापारी ने एक किसान से 5 एकड़ भूमि कृषि कार्य के लिए खरीदी और उसके बाद उसमें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दिया।